सो विल ही गाइस नमस्ते, वेलकम टू कृषा क्रंची नकुमत सेलर हियर। सो फ्रेंड्स, ये एक पार्सल है जो कि रिटर्न आया है, ठीक है, और इस पे यहाँ पे इनका डेटा है, इसलिए मैं हाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो यस, ये इनका जो है मैंने डेटा पूरा हाइड कर दिया है और ये इनका पार्सल है, ठीक है। तो देखो, रिटर्न जब पार्सल आता है हमारा तो भी स्टिल इसकी कंडीशन अच्छी ही है, क्योंकि ये दो बार पूरा घूम के आया, एक बार यहाँ से कस्टमर के घर तक, ये राजस्थान का पार्सल है, और फिर वहाँ से रिटर्न मुंबई, ठीक है। तो फिर भी अच्छी कंडीशन में ही रिटर्न आया है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऑर्डर देते हो तो प्लीज़ टाइम पे डिलीवरी ले लिया करो, क्योंकि पार्सल जब ये प्राइवेट कुरियर का पार्सल है, रिटर्न आता है तो मेरे भी पैसे वेस्ट, आपके भी पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट। अब इसको, इनको वापस से ये पार्सल चाहिए, बट अब मैंने इनके जो है डिलीवरी चार्ज लिए हैं इस कस्टमर के, ठीक है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है सभी से, और अगर आपका एरिया कोई बहुत विलेज के अंदर है, क्योंकि हमारा यहाँ मुंबई से शिपिंग है, तो ज़्यादा दूर दूर का जिस कंपनी का जिस एरिया तक सर्विस है वहाँ तक ही जाएगा, ज़्यादा अंदर विलेज का होगा तो वो वहाँ तक नहीं देते, वो लोग लास्ट अपने हब के नियर बाई 2-3 किलोमीटर में सर्विस दे सकते हैं, 10 किलोमीटर में। अब किसी का 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर होगा तो प्राइवेट कुरियर वाले नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ से बोल रही हूँ, आपके एरिया के नियर बाई वाले ज़रूर दे सकते हैं, कोई और अगर स्टेट है तो वो अपने एरिया में अच्छे से सर्विस ज़्यादा दे पाएगा, राइट। तो इसके अंदर की आपको क्ले भी दिखाती हूँ, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये पार्सल को मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ, ठीक है। सो गाइस, इसको मैंने अभी जस्ट ओपन किया है, देख सकते हो। देखो, एक तो बॉक्स वेस्ट, पैकेजिंग में सब तरह से वेस्टेज ही हो जाती है, और क्ले की अभी आपको दिखाती हूँ क्या कंडीशन में क्ले आती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्सल आई थिंक सो रिटर्न हुआ है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा छुरा हुआ है, लेकिन स्टिल ये देख सकते हो, एक भी कचरा इसमें नहीं है, चूरा इसमें नहीं गिरा है, ठीक है। और इसमें इन्होंने 4 क्ले कॉम्बो लिया था, अब इसको मैं वापस से रीपैक करूँगी। अभी ये जो क्ले खुलेगी वो देखते कैसी क्वालिटी में रहेगी। तो हर तरह से वेस्टेज ही कह लो हो जाता है। तो प्लीज़ पार्सल अगर आप लोगों का इस तरह से रिटर्न आएगा तो आप लोगों को अगेन शिपिंग देनी पड़ेगी, और ट्राई करिए कि रिटर्न पार्सल ना मतलब आए उस तरह की। आप लोग अवेलेबल रहिए, अगर आप लोग ऑर्डर देते हो ऑन टाइम डिलीवरी ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, शिपिंग कंपनी या कुरियर कंपनी मेरी तो नहीं है कि आप लोग जो टाइम दोगे, जो डेट दोगे तब मिलेगा। हाँ, मैं 7 दिन का टाइम लिमिट देती हूँ, बट कैसा है ना, उसमें छुट्टियाँ और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती है। कौन सी क्ले हैं, हाफ टू स्टेट, ठीक है। थोड़ा डस्ट हो जाता है, हमारी क्ले ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, और ये 2 चक्कर खा के आया, एक नहीं 2। स्टिल पहली जो है मेरी बैग जो है वो स्टिल अच्छी है, ब्लैक होल, इन्होंने आई थिंक 5 या 4 क्ले ली थी, कोल्ड स्टेट नकोमट, ये मैं ही अनबॉक्सिंग करके दे रही हूँ। चलो, एक ये शायद से ओपन हो गई है कि फट गई है, हाँ फट गई है, नो इशू। देन यहाँ पे है नॉन रोस्टेड, ओके, और ये था इनका ड्राई फ्रूट, बट स्टिल क्लेज अच्छी है। देखिए, जो अच्छा होगा मैं यूज़ करूँगी और टेस्ट भी चेक करूँगी, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, इस पार्सल के साथ कौन सा पार्सल रखा है ये मुझे नहीं पता है, तो इसकी वजह से कोई अदर चीज़ की फ्रेगनेंस क्ले जो है जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करती है, ऑब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से क्या कैसा हो जाता है, अगर इसके आसपास कोई भी ऐसी खुशबू वाली चीज़, कोई सोप, कोई डिटर्जेंट ऐसा कुछ रखा हो तो वो फ्रेगनेंस और वो स्मेल इसमें भी आ सकती है, कोई भी केमिकल वगैरह भी रखा होगा तो, ठीक है, तो इस तरह की इशू हो सकते हैं। सो क्लेज तो मेरी देखो वैसे भी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी क्लेज दी है मैंने इनको, सी टेस्ट करके देख लूँगी। ये चंक मेरा हो गया, फिर इसमें अब ये रिपीट में नहीं डालूँगी, और प्लीज़ ये जो ग्लव्स थोड़ा सा ऐसा हो जाता है इग्नोर करिए, ग्लव्स बहुत जल्दी फटते हैं क्ले का काम करने में, क्योंकि इस पर ऐसे जब क्ले निकालते हैं ना तो इस पर लगता है, बहुत तेज लगता है, इसकी वजह से फट जाते, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अगर ऑर्डर देते हो अवेलेबल रहो, क्योंकि फिर बाद में बहुत मगजमारी होती है। जैसे मैंने वापस से शिपिंग चार्ज लिए है, डबल खर्चा आपको भी बैठेगा और टाइम एनर्जी दोनों का वेस्ट होगा,
और मैम ने मुझे जो है क्ले के लिए भी चार्ज अलग से पे कर दिए हैं, इसके लिए इनकी क्ले भी अलग से पैक कर रही हूँ, अदरवाइज मैं क्ले अलग से पैक नहीं करूँगी। जिसका खाली शिपिंग चार्ज आएगा उसको खाली पार्सल रिपीट नया बॉक्स डाल के पार्सल रिपीट शिपिंग में डालूंगी, और जो वापस से क्ले वगैरह के चार्ज देंगे, इन्होंने कहा कि नहीं आप मेरी क्ले चेक करके वापस से जो है न्यू पार्सल बना के भेजो, तो इसलिए मैं इनका न्यू पार्सल बना के भेज रही हूँ। इन्होंने मुझे वापस से सेम चार्जेस पे किए हैं जो फर्स्ट टाइम ने दिए थे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही, और ये आई थिंक सो ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। बाकी हमारे यहाँ नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों शिपिंग सर्विस अवेलेबल हैं। ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और पाकिस्तान और आई थिंक जम्मू कश्मीर, ये दो ऐसी जगह हैं जिसको छोड़ के हमारी डिलीवरी और सर्विस ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर ग्लोब है। ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो, और प्लीज़ ऑर्डर देने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक किसी भी चीज़ का यूज़ मत करो, ओनली एंड ओनली व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ से आप लोग ऑर्डर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।